मान जा मेरे बाबू मेरे राजा। अबे चुप्पी है, तुझे पता है इसके साथ कितने लड़के मरते हैं सोने के लिए। मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ। मैं तो किस तरह का लड़का है तू बता ना, किस तरह का लड़का है। भाई परेशान मत हो, ठीक है परेशान मत हो, मैं पहले कैमरा ऑन करता हूँ, ठीक है। ऑन है कैमरा। सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सब। मैं हूँ राजकुमार से वीडियो के साथ। तो गाइज आज हमारे साथ है पंकज भाई, और पंकज के साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली पंकज एक लड़की के चक्कर में फंस चुका है। एक्चुअली वो लड़की नहीं है, वो कॉल गर्ल है। पंकज जो भी बात है एक बार खुल के बताओ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम कैसे इस चक्कर में पड़ गए। भैया मेरा नाम पंकज है, मैं पढ़ने लिखने वाला छात्र हूँ। मैं UPSC सिविल की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ भैया, मैं पढ़ने आया था यहाँ पे, और कुछ संगत ख़राब निकल गई, कुछ दोस्त मिल गए जिनके साथ मैं रहने लगा, खाने लगा, पीने लगा। तो भैया एक दिन वो मुझे रेड लाइट एरिया ले गए, बोले चल आ तुझे घुमाएंगे पिलाएंगे। मुझे नहीं पता भैया कहाँ ले गए वो। उन्होंने मुझे ATM से ऐसी जगह ले गए जहाँ मैं पहली बार ज़िंदगी में कभी गया नहीं। भैया नशे की हालत में था, दारू पिलाने के बाद उन्होंने मुझे एक कॉल गर्ल से मिलाया, और वहाँ जाने के बाद भैया मैं नशे में था, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ फिर मेरे साथ वहाँ। मैंने पता नहीं क्या क्या किया, मुझे खुद याद नहीं है, मैं इतना कुछ याद नहीं है। पर मैं भैया अब मैं परेशान हूँ, मुझे बहुत ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि जिसके साथ मैं था उस दिन उन्होंने मेरी फ़ोटो वीडियो बना के रखी है, और मुझे रोज़ रोज़ फ़ोन करती हैं, पैसे मांगती हैं और पैसे की डिमांड करती हैं। मैं कहाँ से ला के दूँ, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मतलब बहुत टेंशन में हूँ मैं दिन दिन। तो भाई ये चीज़ करने से पहले सोचना चाहिए था ना, और संगत गलत कर रहे हो, चलो ठीक है जो भी कर रहे हो, फिर वहाँ जाके तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। भैया क्या तुम्हें पता चलता है, तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा फिर क्या होगा। भैया घर वालों को चलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। और तुम्हारी तो जिंदगी अब बर्बाद हो रही है ना, वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है, क्या पैसे का डिमांड करती है, क्या पैसे की डिमांड ही तो कर दी है, रोज पैसे के लिए फोन कर दिया, कहते मुझे ला 50,000 दे, कितने दे इतने दे, मैं कहाँ से ला के दूँ। मुझसे मिलने के लिए वो फ़ोन करके बुलाती है, मुझसे मिल मेरे पास बैठ, मुझे बहुत छेड़ती है वो, मैं सब चीज़ नहीं करना चाहता। कोई नहीं, सुनो सुनो एक काम करो, मेरी बात सुनो, उसे बोलो कि मैं तुम्हें आज पैसे दूंगा, ठीक है। पैसे देने के बहाने उसे बस यहाँ पे बुलाओ, ठीक है। जो भी हरकतें करती है उसे करने दो, रिकॉर्ड करते हैं, फिर मैं उसे बताता हूँ, ठीक है। घबराओ मत, परेशान मत हो, ठीक है, और परेशान मत हो, ठीक है। आने दो, बुलाते हैं आज ना, अच्छे से किसी को चमकाना, बहुत दिन हो गए उसने परेशान करके रखा हुआ है। चलो मैं चल रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, आज उसकी तबीयत ढीली करनी है बिल्कुल। और क्या, मैंने गलती कर दी थी उस दिन, और कुछ नहीं था वो। अरे ये गलती नहीं होती, ये तो बहुत अच्छा काम होता है। बताओ अब तू ना मेरे साथ ही रही, मैं हमेशा तेरे को अपने साथ। मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? क्यों, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करता? वो गलती थी, वो मेरे दोस्तों ने मुझे उस दिन पिला दिया था, और वो गलती नहीं, गलत गलत चीजें दिखा दी थी। ये गलती तो इंसान को करते रहना चाहिए, वो सब गलती थी। मैं अपना मन भावुक हो चुका था, और नशे में गया था, जो भी गया था, वो मौसम चीजें नहीं करता। मैं वैसा लड़का नहीं, इधर तो आ, दूर दूर क्यों जा रहे हैं? मैं वैसा लड़का नहीं, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहना चाहती हूँ। मेरे को नहीं रहना ना, लेकिन मेरे साथ रहेगा ना, जिंदगी की ऐश मिलेगी तुझे हमेशा। मैं नहीं रहना चाहता आपके साथ। जब मेरी औरत तेरे को बोल रही है उसके साथ रहने के लिए, पता है तेरे जैसे लड़के कितने इसके आगे पीछे घूमते, इतनी तो हॉट है ये। मेरे को पसंद नहीं है यार, कौन है कौन है? इसके साथ रह, मौज करेगा। और क्या, हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, मौज करेंगे, और कैसा लगेगा उनके साथ रहूंगा यार। कैसा साथ लगेगा मतलब, ये जैसा पहले लगा था वैसे ही तो लगेगा। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, नहीं मैं पढ़ने लिखने वाला लड़का हूँ, पढ़ने आया हूँ, मैं ये सब करने नहीं आया। तो फिर उस दिन क्यों किया था? वो मेरे से गलती हो गई थी, मेरे दोस्तों ने मुझे क्या क्या बोल दिया था पता नहीं, वो लेके आए थे, वो लोग तो भाग गए अपना काम करके। अच्छा, मैं फंस गया वहाँ पे। गलती होगी ना तो गलती की भरपाई कर, पैसे निकाल, फिर पैसे दे, फिर पैसे पैसे दे तू। और क्या, पैसे देने पड़ेंगे तुझे? पैसे कहाँ से दूंगा, मुझे पैसे नहीं है कुछ भी मेरे पास पैसे देने के लिए। मैं खुद रेंट पे रहता हूँ, पैसे देगा क्या बात, मैं खुद रेंट पे रहता हूँ, क्यों नहीं देगा? तेरी शराफत भाई, मारो मत, क्यों नहीं देगा? मैं पैसे नहीं दे सकता, पैसे निकाल।
आप क्या पैसा मत करो यार, तो प्यार से मान जा मेरे बाबू मेरे राजा। अच्छे से मान जा, अच्छे से मान जा, नहीं तो पूरी लाइफ बर्बाद कर देंगे हम लोग। मेरे पैसे नहीं देने लायक, मैं मुझे मत परेशान करो। चल मैं आपसे नहीं रह सकता। मैं तो तेरे को अपने पास रखूंगी देख। अरे यार क्या वो बाबू मान जाना, क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत है जब भी तो मुझे पसंद नहीं हो तुम। अबे चुप्पी है, तुझे पता है इसके साथ कितने लड़के मरते हैं सोने के लिए, और तुझे खुद ऑफर दे रहे, तू मना कर रहा है? मुझे ये सब चीज नहीं पसंद है, मैं शरीफ घर का लड़का हूँ, पढ़ने लिखने वाला छात्र हूँ। तो तेरी उस दिन देख ही रही थी वो, मैं नशे में था उस दिन, मैंने गलती से कर दिया, मैं जान मुझको नहीं कर रहा था। दोबारा फिर नशे में हो जाइयो, फिर कर लियो। मैं वो चीज नहीं करने आया हूँ, पढ़ने आया वहाँ पे मैं दिल्ली में। पढ़ने आया तू क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? मैं उस चीज कर लेना, किस चीज की टेंशन है तुझे? मैं उस चीज को नहीं चाहता, मैं वो चीज नहीं चाहता, मैं वो सब गंदी चीजें मुझे पसंद नहीं है। खुद तेरे को चाहती है फिर भी तू ऐसे कर रहा है ना? मेरी बात सुन, नहीं चाहता ना, नहीं चाहता तू? नहीं मैं नहीं चाहता आपसे बात करना कुछ भी। मैं फिर मुझे दू, तेरे पास कितना पैसा है? कितना कुछ नहीं है मेरे को, तुम जाने तो परेशान मत करो आप मुझे। चल तुझे फिर पैसा तो देना पड़ेगा। पैसा तो देना पड़ेगा बेटे, पैसे तो देने पड़ेंगे तुझे। पैसे क्यों दूंगा मैं आपको? नहीं देगा तो तेरी पूरी लाइफ हम बर्बाद कर देंगे। आप पूरी लाइफ बर्बाद कर परेशान मत करो, छोड़ दो मेरे को। परेशान बाबू तूने मुझे भी तो किया था। पढ़ने लिखने वाले लड़कों को पढ़ने आया हूं, सब काम में नहीं आया, मैं गलती करके बैठ गया हूं। पढ़ने आया है तो पहले तो इसके साथ किया है, छोड़ दो कुछ भी किया है तू। कोई बात नहीं, ये गलती बार बार भी करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या परेशानी है? इतनी हॉट तो है रहा, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है तुझे? भाई इनका रोज का किसी के साथ सोना, वो सब कैसे कर, कैसे सोना कैसा लगेगा मेरे साथ? क्या हुआ तेरे को? तो मुझे भी नहीं रहा, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? मुझे उसे नहीं पसंद ना, मैं उस पर चरित्र नहीं मेरा सा, मैं अच्छे घर से हूँ। तेरे साथ ही रह लूंगी, जैसा तू बोलेगा मैं वैसे ही कर लूंगी। मुझे नहीं, मुझे नहीं पसंद है आपके साथ रहना। मैं अभी पढ़ने आया हूँ, मुझे कुछ बनना है, मैं मेरी पढ़ाई खराब हो रही है। नहीं रहेगा तो तेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर देंगे हम, तू देख ले पहले। क्या इधर 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 राजा मेरी बात सुन, देख नहीं रहेगा तो पैसा दे, पैसा नहीं देना तो फिर एक काम और हो सकता है, बता मंजूर है? क्या दिमाग में चल रहा है आपके, मुझे समझ नहीं आ रहा। या तो आज रात भी तेरे को मेरे साथ सोना पड़ेगा। नहीं मैं ऐसा नहीं, जब मैं बुलाऊं बार बार खाना पड़ेगा। मैं नहीं सोऊंगा, मुझे छोड़ दो। देखो मैं आपके हाथ में छोड़ तो नहीं सकती अब तेरे को किसी भी कीमत पे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे छोड़ दो। मुझे हाथ मत जोड़, छोड़ने के लिए नहीं है। मैं काम कर रहा हूं, पैसे दे दे, मुझे छोड़ देंगे तू, पैसे दे दे फिर। भाई मार दे फिर तू, पैसे दे दे फिर मुझे छोड़ देंगे। मैं चीजों में नहीं रहना चाहता, मुझे छोड़ दो। या तो पैसे दे या इसके साथ रह तू। मैं भी पैसे नहीं देने लग, कहां से लाके दूं? मैं खुद किराए पे रहता हूं, मैं पढ़ने के लिए आया हूं, अपना किराया। ये बात तुझे करने से पहले सोचना चाहिए था ना, इससे भेंट करने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैं उस टाइम मेरा दोस्त ने मुझे दारू पिला दी और रेड लाइट पे ले गया। अब दोस्त पे डाल रहा है, इतनी मासूम शक्ल दोस्त पे डाल। कोई भी किया, मैं सच में ऐसा लड़का नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो यार आप। मुझे तो कैसा लड़का है? अब तुझे नहीं छोड़ सकते हम लोग, जब से पैसे नहीं देगा तब से नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दो मैं बहुत तू पैसे देगा या एक और ऑफर दिया ना मैंने तेरे को, या तो वो मान। नहीं कर सकता मैं दोनों में से एक काम तो तेरे को करना ही पड़ेगा भाई, तुझे किसी भी कीमत पे। मैं तो तेरे से प्यार करती हूँ ना, मेरी बात सुन। अच्छा तू वो ऑफर भी नहीं मान रहा, वो भी नहीं मान रहा, मैं तेरे को एक ऑफर देती हूँ, पैसा भी मैं तेरे को दूंगी, बस तू मेरे साथ रह ले। अब तेरे को पैसे भी मिल रहे हैं? नहीं मैं नहीं रहना चाहता आपके साथ, जिंदगी भर मेरे साथ रह। नहीं मैं रह नहीं सकता, मुझे पसंद नहीं आप, मैं आपको पसंद नहीं करता, मुझसे दूर रहो। कैसे किया था तूने मुझे पसंद? वो मेरी गलत फहमी हो गई, मैं नशे में था, मुझे खुद नहीं पता मैं कैसा कर रहा था। सोच ले कि मैं नशे में ही हूँ, अभी भी सोच लेना। क्या क्या चाहता है फिर तू? मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, आप यहाँ से चले जाओ। खड़ा हो जा फिर, कितना समझा चुकी हूँ मैं तेरे को कि तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा। मैं नहीं रहूंगा आपके साथ। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है तू? मेरी बात सुन, क्यों नहीं समझ रहा है? तुझे तो लाइफ ही सेटिंग करनी है ना, पढ़ाई किस लिए कर रहा है? लाइफ सेट करने के लिए कर रहा है ना, जब खुद ऑफर दे रही है, बोल रही है लाइफ सेटिंग कर रहा है। मुझे इस कामों में नहीं रहना, मुझे गलत कामों में नहीं रहना आपके साथ, वो गलत काम होता है। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तू? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। मार तो तू खाएगा अब, अभी तो तुझको मार क्या पड़ी है? शराफत से क्यों नहीं मान रहा तू? अच्छे से मान जा वरना तू तो जाएगा बेटे। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं नहीं छोड़ूंगी तेरे को, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। शरीफ घर का लड़का हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे हो। क्यों नहीं मान रहा तू? तेरे को मानना तो पड़ेगा, चाहे वैसे मान चाहे ऐसे मान।
मैं नहीं रहना चाहता आपके साथ, जबरदस्ती मत करो मेरे को, और तुझे रखना है अपने पास। मुझे तो इतना पसंद आ गया ना कि मैं तेरे को जिंदगी बनना छोड़ू, तू मेरे साथ रहेगी ना, मेरी बात सुन, पैसा तुझे अलग मिलेगा, तेरी पढ़ाई भी पूरी कराऊंगी। मैं आपको पसंद नहीं करता, मुझसे दूर रहो। तू पढ़ाई किस लिए कर रहा है, सेटल होने के लिए ना, जब ये खुद बोल रही है मैं सेटल कर दूंगा, तुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये काम गलत करवा रही है, ये कैसा सेटल हो जाएगा, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी एकदम से, मजा का मजा, लाइफ सेट, पढ़ाई भी हो जाएगी। नहीं मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ। मैं किस तरह का लड़का है तू बता ना, किस तरह का लड़का है उस दिन, किस तरह का लड़का था तू, बहुत शरीफ था उस दिन। मुझे कुछ नहीं पता उस दिन क्या हुआ, नहीं पता, रात क्या कुछ हुआ? नहीं पता, नहीं मैं नहीं जानती, मेरे साथ गलती मैं हो गई। मैं आपका हाथ जोड़ रहा हूँ सामने, मैं तेरे को पसंद करती हूँ। होगा अगर तू नहीं, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो नहीं, कौन है भाई तू, कौन है तू, कौन है तू, कौन है कौन तू, तुम कौन हो भाई, कौन हो, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा है, मुझे बहुत परेशान किया लो मेरा भाई, आप कौन हो, किसने बोला है, कौन है तू, कौन है तू, आप कौन हो भाई, बता रहा हूँ, बिल्कुल चुप रहेगा, बिल्कुल चुप, ठीक है, चुप चुप बोला ना, मुझे बहुत मारा, हाँ मैंने बुलाया, क्या है, कौन हूँ मैं बताऊं, कौन है तू, कहां से है तू, आवाज नीचे, आवाज नीचे, मुझे बहुत परेशान किया इन लोगों ने, क्यों मुझसे पैसे मांग रहे हैं, परेशान किए, तू कैसे आया था फिर वहां पे, कुछ बोल रहा हूं मैं, क्या है, कुछ बोल रहा हूं, समझ नहीं आ रही क्या, तूने बुलाया, अबे इसने बुलाया होगा ना, तुझे महाराज ने मुझे बहुत मारा, बहुत तक है ना, कॉलर पकड़ पकड़ के मार रहे थे मेरे को, बहुत मारा ने, बाल बाल सब नोच दिया मेरे को, बहुत मारा ने। जब वो बोल रहा है कि उसे नहीं रहना है, परेशान नहीं करना, मुझे बहुत टॉर्चर दिया लोगों ने, सर मुझे, सर मुझे पसंद है, मैं तो रखूंगी इसको, कैसे आता, हाँ मतलब इतने लड़कों में यही पसंद है, और लड़का ऐसा पसंद नहीं है, और वहाँ तुम्हें तुम्हें पसंद करने के लिए हो वहाँ पे, मैं तो मुझे पसंद आया, मैं तो लेके जाऊंगी इसको साथ, लेके दिखा, जैसे लेके जाके दिखाओ, लेके जाऊंगी, ले जाओ लेके दिखाओ, चलो उठ, मैं नहीं जाना चाहता आपके साथ, उस दिन तो तू बहुत मजे ले रहा था, मैं मुझे याद है कुछ भी, ओए समझा ठीक है, वरना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तो लड़की है तू समझा ठीक है, क्यों रहने दो, रहने दो छोड़ो, ऐसे मान जाओ, इतना लफड़ा करना अच्छा लगता है तुमको, लफड़े लफड़े को मैं नहीं जानती, मुझे वो पसंद है, वो मुझे चाहिए चाहिए, और तू भी दूर हट जा, अच्छा तू कहां से आया, तू जा जहां से आया, चल निकल जा, नहीं तो चला जा, मैं कह रही हूँ बहुत प्यार से बात कर लिया, हाँ मैंने भी तेरे से प्यार से बात कर ली, मुझे वो चाहिए तो चाहिए, नहीं मिलेगा वो क्या, मैं लेने नहीं जाऊंगी इसको, कोई प्रोडक्ट है क्या वो, मेरे लिए वो प्रोडक्ट ही है, अच्छा तुम्हें हाँ। बहुत लड़के मिल जाएंगे ठीक है, नहीं मुझे ये चाहिए, बस यही चाहिए, सर नहीं आती सब करते हुए, नहीं आती बिल्कुल भी नहीं आती, बहुत ज्यादा शौक है क्या लड़के के साथ में रखने का, और मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हें वो क्यों चाहिए, ठीक है वो पढ़ने वाला लड़का है ठीक है, तो वहाँ भी पढ़ाई हो जाएगी इसकी, उस दिन भी तो इसने पढ़ाई करी थी भाई, उससे वो गलती हुई है, उस गलती किया होती था ठीक है, हाँ गलती किया था, ये गलती होती ठीक है, सर नहीं आते सब करते हुए, और ऊपर से उसे बदनाम कर रही हो, तुम्हारा तो काम है उसे बदनाम कर रही हो, वो जब सुधरना चाह रहा है अपनी लाइफ में, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी, मेरे तो नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो तुम दोनों जो दोनों यहाँ पे रंगबाजी करने आए हो ना, दोनों निकल जाओ, अरे समझ जाओ ना, क्यों लफड़ा कर रहे हो, ऐसा मारूंगा, क्या समझ जाओ, समझ जाओ, रहने तुम्हें समझ जाओ, ज्यादा लफड़ा नहीं करना है, मेरे सारे मुझे पे दाव लगा रखा है, ओए मुझे बहुत अच्छे से पता है तूने क्या लगा रखा है, निकल जा यहाँ से ठीक है, वरना इतना मारूंगा ना, और फोन यही फोन है ना, फोन दे मेरा इधर, दूर दे दो फोन, दे दो ना, मैं समझा रहा हूँ, फोन दे दे मेरा, अरे फोन दे दो भाई, मैं समझा रहा हूँ इनको, फोन तो दे दो, फोन रुक जाओ ना, फोन में देखता हूँ क्या है, कहने फोन खोलो, फोन मेरी फोटो ले रही, फोन तोड़ दूंगा, यही तोड़ दूंगा, ठीक है खोल तू, मेरी फोटो ले रही सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा, ब्लैकमेल किया मुझे बहुत ज्यादा ना, मुंह मत चला, भैया देखो कैसे बात कर रहे हैं मेरे से, ये सिर्फ इसकी फोटो है ये, हाँ तो इसकी है, मतलब जो वहाँ आता है तुम ये करते हो उसके साथ, हाँ करते हैं, हाँ करते हैं, फोटो क्लिक के ये करते हो, मतलब नशे में उठने का फायदा उठाते हो, हाँ जब ये गलती कर रहा है, गलती एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऐसे ही तो पागल चाहिए होते हैं हमारे को,
ऐसे ही चाहिए होते पागल। मैंने उनसे हाथ भी जोड़े, मैंने रिक्वेस्ट भी की मुझे छोड़ दो, उन्होंने मुझे फिर ब्लैक मेल किया। देखो ये सिर्फ तुम्हारे साथ फोटो नहीं है, कितनों के साथ फोटो लेकर रखी, और तू ही सपोर्ट करता है। ये लड़का भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो ओए समझा रहा हूँ ठीक है। फोन कोई नहीं, हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं ना इसको, कोई नहीं डिलीट कर दे। तू ज्यादा बन रहा है साथ, क्या इधर दे मेरा फोन। मैडम सुनिए ना, अगर आपको वीडियो फोटो बनाने का शौक है ना ठीक है, तो एक बार उधर देखो, उधर उधर क्या उधर कैमरा बंद कराओ पहले भाई। ये मतलब जो लड़का शरीफ वहाँ आ रहा है, तुम उसका फोटो वीडियो लेकर उसका फायदा उठा रही हो ना भाई। तो गलती कर रही है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसकी गलती के साथ जिंदगी बर्बाद। पहले कैमरा बंद करा दो ना पहले। बैठ बैठ यहाँ बैठ, तू जो अपने बैठ यहाँ। पहले वो बंद कराओ ना कैमरा, कैमरा बंद करा दो पहले। बोल रहा हूँ चुप चुप। हाँ तू जो फोटो वीडियो कर रही है वो गलत नहीं है, ये कर रहा हूँ तो गलत है। तो ये गलत है, ये गलती करके एक्सेप्ट कर रहा है, तो तुम्हें समझाना चाहिए। तुम इसको और बदनाम कर रही हो, जिंदगी बर्बाद कर रही हो ना, तो उसका तो इसको पनिशमेंट मिलेगी ना। बहुत सही कर रही हो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ना सबको अच्छे से, कि ये जो मैडम अपने आपको हीरोइन समझती हैं, उम्र हो चुकी है आपको, समझ नहीं आती आपको। नहीं जाएगा भाई, मैं अब समझा दूंगा, नहीं जाएगा। और आज के बाद मैसेज को नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। और अगर पता चला दोबारा तो अच्छा नहीं होगा ठीक है। और सुन, नहीं होगा भाई, रंगबाज बन के आता है ना, तो सुधर जाओ, अभी बच्चे हो ठीक है। सुधर जाऊंगा भाई, अब नहीं, अब नहीं करूंगा। घूम रही हो, चल दफा दफा निकल भाई। तुम्हें भी पहले करने से पहले सब समझ ठीक है, तुम वैसी जगह पे जा रहे हो, तुम्हारे साथ सही तो नहीं होगा ना। मेरी संगति, संगत के लोग मुझे ले गए थे, मैं संगति के चक्कर में मत रहो, पढ़ाई पे फोकस करो। पढ़ने नहीं आऊँ, मैं यहाँ पे पढ़ने आऊँ शहर में। चलो चलो जाओ घर जाओ। और आप कोई कॉल वाल आता है मैं आना ठीक है, वैसे मुझे लगता है वो कॉल करेगी, बोलाता है तो मुझे अपडेट भैया। अगर कॉल आएगा मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू भैया।